आयाम का सेंस होता है ऊंचाई, तरंग कितना ऊंचा है उसे हम आयाम कहते हैं। तो इसकी ऊंचाई देखिए कम है, इसकी ऊंचाई उससे थोड़ा सा ज्यादा है, जबकि अगर एल वेव की ऊंचाई देखिएगा तो इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है। इसी वजह से ये ज्यादा खतरनाक होता है, आयाम ज्यादा होने की वजह से ज्यादा हिला देता है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो उसको मान लीजिए आप धीरे धीरे इसे तमाचा मारिएगा छोटा छोटा आयाम से, अरे 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 इसे मारिएगा कोई दिक्कत नहीं है, तनि सा आयाम बढ़ाकर इसे मारिए बहुत तेज लगेगा, एल तरंग की तरह आयाम बढ़ाइए, इतना हचाक दे मार दीजिए इसे मुड़िए टूट जाएगा उसका। तो एल वेव क्यों खतरनाक होती है ये आप एकदम अच्छा से समझ गए। एक तो ये हचाक से बहुत लंबा लंबा वेव मारती है और उससे बहुत धीमे गति से आती है, एकदम अच्छा से झकझोर के बिल्डिंग को जाता है, और ये वाला आता है बिल्डिंग में हिला के चल जाता है, ये तो पूरा बढ़िया से अस्थिर हिलाता है ऐसे जुरागिर। तो अभी